जय श्री कृष्ण। यद्यपि भगवत गीता का व्यापक प्रशासन और पठन हो रहा है, किंतु मूलतः यह संस्कृत महाकाव्य महाभारत की एक उपकथा के रूप में प्राप्त है। महाभारत में वर्तमान कलयुग तक की घटनाओं का विवरण मिलता है। इस युग के प्रारंभ में आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र तथा भक्त अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया था। उनकी यह वार्ता जो मानव इतिहास की सबसे महान दार्शनिक तथा धार्मिक वार्ताओं में से एक है, उस महायुद्ध के शुभ आरंभ के पूर्व हुई, जो धृतराष्ट्र के 100 पुत्र तथा उनके चचेरे भाई पांडवों या पांडव पुत्रों के मध्य होने वाला भ्रातु घातक संघर्ष था। तथापि धृतराष्ट्र के पुत्र विशेषतः सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन पांडवों से द्रोणा और ईर्ष्या करता था। अंधा तथा दुर्बल हृदय धृतराष्ट्र पांडव पुत्रों के स्थान पर अपने पुत्रों को राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। इस तरह धृतराष्ट्र की सहमति से दुर्योधन ने पांडु के युवा पुत्रों की हत्या करने का षड्यंत्र रचा। पांचों पांडव अपने चाचा विदुर तथा अपने ममेरे भाई भगवान श्री कृष्ण के संरक्षण में रहने के कारण अनेक प्राण घातक आक्रमणों के बाद भी अपने प्राणों को सुरक्षित रख पाए। भगवान श्री कृष्ण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, अपितु साक्षात परम ईश्वर है, जिन्होंने इस धरा धाम में अवतार लिया था और अब एक समकालीन राजकुमार की भूमिका निभा रहे थे। वे पांडु की पत्नी कुंती या पूथा पांडवों की माता के भतीजे थे। इस तरह संबंधी के रूप में तथा धर्म के शाश्वत पालक होने के कारण वे धर्मपरायण पांडव पुत्रों का पक्ष लेते रहे और उनकी रक्षा करते रहे। किंतु अंततः चतुर दुर्योधन ने पांडवों को द्रुत क्रीड़ा के लिए ललकारा। उस निर्णायक स्पर्धा में दुर्योधन तथा उसके भाइयों ने पांडवों की सती पत्नी द्रौपदी पर अधिकार प्राप्त कर लिया और फिर उसे राजाओं तथा राजकुमारों की सभा के मध्य निर्वस्त्र करने का प्रयास किया, पर कृष्ण के दिव्य हस्तक्षेप से उसकी रक्षा हो सकी। उस द्रुत क्रीड़ा में छल के प्रयोग के कारण पांडवों की हार हुई तथा उन्हें अपने राज्य से वंचित होना पड़ा और 13 वर्ष तक वनवास के लिए जाना पड़ा। वनवास से लौटकर पांडवों ने धर्म संपत्त विधि से दुर्योधन से अपना राज्य मांगा, किंतु उसने देने से इनकार कर दिया। क्षत्रियों के शास्त्रानुमोदित कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए पांचों पांडवों ने अंत में अपना पूरा राज्य न मांग कर केवल 5 गांवों की मांग रखी, किंतु दुर्योधन सुई के नोक पर भी भूमि देने के लिए सहमत नहीं हुआ। अभी तक तो पांडव सहनशील बने रहे, लेकिन अब उनके लिए युद्ध करना असंभावी हो गया। विश्व भर के राजकुमारों में से कुछ धृतराष्ट्र के पुत्रों के पक्ष में थे, कुछ पांडवों के पक्ष में। उस समय श्री कृष्ण स्वयं पांडव पुत्रों के साथ संदेशवाहक बनकर शांति का संदेश लेकर धृतराष्ट्र की राज्यसभा में गए थे। जब उनकी याचना अस्वीकृत हो गई तो युद्ध करना निश्चित हो गया था। अत्यंत सच्चारिच 5 पांडवों ने श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में पहचान लिया था, किंतु धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्र उन्हें नहीं पहचान पाए थे। फिर भी कृष्ण ने विपक्षियों की इच्छा ही युद्ध में सम्मिलित होने का प्रस्ताव रखा था। ईश्वर के रूप में वे युद्ध नहीं करना चाहते थे, किंतु जो भी उनकी सेना का उपयोग करना चाहे वो कर सकता था। प्रतिबंध यह था कि एक ओर श्री कृष्ण की संपूर्ण सेना होगी और दूसरी ओर वे स्वयं परामर्शदाता तथा सहायक के रूप में उपस्थित रहेंगे।
राजनीति में कुशल दुर्योधन ने तो कृष्ण की सेना झपट ली, जबकि पांडवों ने कृष्ण को उतनी ही आतुरता से ग्रहण किया था। इस प्रकार कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और उन्होंने उस सुप्रसिद्ध धनुर्धर का रथ हांकना स्वीकार किया। इस तरह हम उस बिंदु तक पहुंच जाते हैं जहां से श्रीमद् भगवद गीता जी का शुभ आरंभ होता है। दोनों ओर सेनाएं युद्ध के लिए तैयार खड़ी है और धृतराष्ट्र अपने सचिव संजय से पूछ रहा है कि उन सेनाओं ने क्या किया। इस तरह सारी पृष्ठभूमि तैयार है। आवश्यकता है तो केवल इस अनुवाद तथा भाष्य के विषय में संक्षिप्त टिप्पणी की। अतः यह अनुवाद तथा इसी के साथ दिया हुआ भाष्य पाठक को कृष्ण की ओर निर्देशित करता है, उनसे दूर नहीं ले जाता। इस दृष्टि से श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अनुपम है। साथ ही इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस तरह यह पूर्णतया ग्राह्य तथा संगत बन जाती है, क्योंकि गीता के वक्ता एवं उसी के साथ चरम लक्ष्य भी स्वयं श्री कृष्ण है। अतएव यही एकमात्र ऐसा अनुवाद है जो इस महान शास्त्र को यथार्थ रूप में प्रस्तुत करता है। जय श्री कृष्ण।